नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया पर, पूरे सोशल मीडिया पर अभी मनीष कश्यप चर्चित में है, सुर्खियों में है। आप देख सकते हैं कि रवि किशन उनके समर्थन में बोले हैं, पवन सिंह भी उनके समर्थन में बोले हैं, खेसारी लाल भी उनके समर्थन में बोले हैं। अभी फिलहाल मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ने पटना एयरपोर्ट से तमिलनाडु ले जाया गया है और उनको वहाँ पर जेल में रखा गया है। इसके बाद वकील का कहना है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द मनीष कश्यप को निकालने का, और फिलहाल अभी मनीष कश्यप जी जेल की सजा काट रहे हैं। और एक बात और आपको बता देना चाह रहा हूं आपसे, जैसा कि आप जानते हैं मनीष कश्यप अभी सोशल मीडिया में सुर्खियों में हैं, तो तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए गलत आरोप में उसको फंसाया गया है। और मामला यह है कि वीडियो तमिलनाडु का एक बताया जा रहा है जिसमें मनीष कश्यप उसके खिलाफ बोल रहे थे कि बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है। सही बात है कि बिहारी मजदूरों को पीटा गया है। जैसा कि जानते हैं आप सब, मनीष कश्यप इकलौते बिहार के ऐसा सन ऑफ बिहार कहलाने वाले एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में बहुत मायने रखता है, जो सच को झूठ को सब दिखाता है उसमें। वो अपना एक एंटरटेनमेंट चैनल करके, अपना मनीष कश्यप करके सस्तक न्यूज आप देख लीजिए, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर और तमाम जितने भी ऐप आते हैं उस पर मनीष कश्यप का हर एक वीडियो सच के खिलाफ आवाज उठाने वाला वीडियो है। कोई वीडियो यह नहीं बताता है कि किसी के खिलाफ विद्रोह किया गया हो, यह बताता है कि जो हमारे बिहार में हो रहा है उस सच को दिखाने का प्रयास किया है। और फिलहाल बता देना चाह रहा हूं कि अभी मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट सब सीज कर दिए गए हैं, और वकील का कहना है कि हम बहुत जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं मनीष कश्यप जी को निकालने का, और तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप जेल की सजा काट रहे हैं। और आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हर उन मजदूर प्रवासियों को पहुंचे, हर एक मोबाइल में पहुंचे, ताकि इनको सपोर्ट मिल सके और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर सके हम लोग। धन्यवाद।